हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नेहा खेरा। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और आज हम बात करने वाले हैं हील पेन के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, ये सारे पेन तो मतलब लगता है लोगों को कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं, लेकिन एक्चुअली में हील पेन भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। हील पेन कई टाइप का होता है, इसमें मैं एक वीडियो बना के आपको बताऊँगी क्योंकि उसके लिए गलत वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि हील पेन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो अगर आपको सुबह उठते से ही ज़मीन पे पहला कदम रखते से ही बहुत तेज़ दर्द होता है और ये दर्द चुभने वाला शूटिंग पेन होता है, तो आप इस तरह से दर्द को प्लांटर फेशियाइटिस बोला जाता है, जो कि हमारा जो दर्द होता है ना वो एडी के यहाँ बिल्कुल पॉइंट यहाँ पे नीचे बॉटम में और अंदर की तरफ होता है। ये इन दोनों एरिया पे ये पेन बहुत ज़्यादा होता है, शूटिंग पेन, और बिल्कुल ऐसा लगता है कील चुभ रहा हो। तो इस टाइप के पेन के लिए हम बोलते हैं इसको प्लांटर फेशियाइटिस। अब प्लांटर फेशियाइटिस क्या होता है? प्लांटर फेशिया, जो फेशिया होता है वो पूरे सोल में होता है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो उसको ये उसका नाम है, जो सोल पे पूरा फेशिया होता है उसका नाम है प्लांटर फेशिया। अब जब इसके अंदर स्वेलिंग वगैरह आ जाती है या ये मतलब थोड़ा फूल जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। कहीं भी मैं बताती हूँ आपको टर्म, कहीं भी आइटिस आए ना, जैसे प्लांटर फेशियाइटिस यानी कि स्वेलिंग, हिपेटाइटिस यानी कि लिवर में स्वेलिंग, इस तरह से किसी भी वर्ड के आगे आइटिस आ जाए तो उसका मतलब होता है कि वो स्वेलिंग से रिलेटेड, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस, ठीक है। तो इसमें भी हमारे घुटनों पर या कहीं भी होता है स्वेलिंग, ये भी जो होती है हमारी प्लांटर फेशिया की स्वेलिंग होती है, यानी कि जो उसमें वजह से हमें हील पेन बहुत ज़्यादा होता है। अब जो हील पेन होता है इसके लिए हमें बहुत ही इजी ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ ट्रीटमेंट ही डिस्कस करूँगी और पार्ट टू में मैं टाइप्स एंड प्रिकॉशन डिस्कस करूँगी। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है उससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं। तो हम ट्रीटमेंट की सबसे पहले बात करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, हमें एक्सरसाइजेस करनी है, तो आइए हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। ओके, तो ठीक है, देखिए बहुत ही इजी एंड सिंपल एक्सरसाइजेस है, बहुत ही क्विक है। बहुत एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत कुछ खड़ा होके बहुत मेहनत करनी है, लेट के सिंपल सी दो तीन एक्सरसाइजेस करनी है, कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे आपका हील पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस तरह से लेट जाना है। लेटने के बाद आपको दोनों घुटनों को मोड़ लेना है और उंगलियों को, जो हमारे टोज हैं, इनसे ना अपनी चादर को इकट्ठा करना है। इस तरह से जो भी बेडशीट बिछी होगी उसको आपको ना फिंगर से इसे इकट्ठा करना है, छोड़ना है, इकट्ठा करना है, छोड़ना है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। आप जब सुबह उठें तो पहला कदम नीचे रखने से पहले आप ये एक्सरसाइज करिए। इसमें आपको क्या करना है, बस दोनों आपके टोज हैं जो को एक कलप होता है टो कर्लिंग, तो आपको दोनों टोज से अपने जो बेडशीट है उसको ऐसे पकड़ना है, छोड़ना है, पकड़ना है, छोड़ना है, ठीक है। और अब करते हैं हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज भी बहुत सिंपल है। इस तरह से टॉवल लेना है और टॉवल लेने के बाद आपको ऐसे बैठ के स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से पंजे में फंसा लीजिए। अगर बैक पेन की प्रॉब्लम है तो टेकल ही करिए, ऐसा नहीं होगी हम एक चीज ठीक कर रहे हैं और दूसरी प्रॉब्लम ले लें। तो कई बार यही होता है, हम लोग ना एक घुटने की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से टेढ़े मेढ़े होके करते हैं कि बैक में पेन आने लगता है। सर्वाइकल की कर रहे हैं तो ऐसे करते हैं, शोल्डर में आने लगता है। शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो सर्वाइकल में पेन आने लगता है। तो हमें इस वजह से बैक में पेन नहीं लेके आना है। आपको बैक में तकलीफ है आप सपोर्ट ले लीजिए, ठीक है, सीधे नहीं बैठ पा रहे सपोर्ट ले लीजिए। इस तरह से आपको ये जो टॉवल का रोल है, टॉवल का जो हमने बनाया है, ये इसको यहाँ पे रख लेना है। टॉवल ले लीजिए या बेडशीट भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आपको करके अगर हील थोड़ी ऊपर हो रही है इसमें तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, टॉवल से पंजे को अपनी तरफ खींचना है। टॉवल से टॉवल तो पंजे को पीछे खींचेगा लेकिन पंजा जो है हमारा वो आगे की तरफ इस तरह से खींचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेंथनिंग हो रही है काफ की, काफ मसल यानी जो हमारी पिंडलियों की जो मसल है ना, इस वजह से भी हील में पेन आने लगता है। तो टॉवल से हमारा पैर पीछे जाएगा लेकिन जो हमारा पंजा है, जो हमारा फोर फुट है, वो टॉवल को आगे की तरफ ऐसे धकेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए। फिर से क्या करना है आपको, टॉवल पंजे को पीछे खींचेगा
और पंजा टॉवल को उधर खींचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोबिलाइजेशन करना है हील का, हील यानी कि जो हमारे हील में बोन होती है कैल्केनियम बोन, उसका मोबिलाइजेशन। ये ग्रिप आपके इस तरह से होनी चाहिए, पकड़ लिया इसको और नीचे 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 ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज अगर आप सुबह सोने से सो के उठेंगे और पहला कदम जमीन पर रखने से पहले अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगी और आपको हील पेन भी नहीं होगा। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, इस तरह से बस खाली मूवमेंट करनी है आपको, पंजे को खींचना है, लेट के करिएगा ये एक्सरसाइज, पंजे को अपनी तरफ 1 2 इसको हम एंकल टो मूवमेंट भी बोलते हैं, 3 4 5 ऐसे, और फिर घुमाना है क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ठीक है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी ये तो एक्सरसाइजेस होगी, अब हम इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी का भी यूज़ करते हैं, जैसे हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। मैं अल्ट्रासाउंड हील पे ज़रूर प्रेफर करती हूँ पेशेंट को लगाना, अगर आपके नियर बाय कोई फिजियोथेरेपिस्ट है या फिजियोथेरेपी क्लिनिक है तो आप वहाँ जाके अल्ट्रासाउंड ज़रूर लगवाइए उनसे। 5 to 7 minutes का अल्ट्रासाउंड लगता है और अल्ट्रासाउंड से हीलिंग होती है, जो आपको स्वेलिंग आ रही है ना अंदर फेशिया में उसकी हीलिंग होगी, तो वो भी आपको इसमें यूज़ करना होता है। नेक्स्ट आपको ना एक कुशन सिलिकॉन कुशन आता है जो आपको शूज़ के अंदर या सैंडल स्लीपर जो भी आप पहनते हैं या घर में जो रेगुलर स्लीपर भी पहनते हैं तो उसके अंदर भी लगा के आपको वॉक करना है, तो बहुत ही ईजी रहेगा और बिल्कुल हील में पेन नहीं होगा और बहुत कुशनेबल होता है वो, तो काफ़ी इफेक्टिव होता है, वो भी आपको यूज़ करना है। हाई हील्स फीमेल्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, मेल्स को भी नहीं करनी है। कम्फर्टेबल फुटवेयर का यूज़ करना है, जिसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ वो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको एक टेपिंग होती है, जब हम पेशेंट आता है हमारे पास हील पेन के लिए प्लांटर फेशियलिस्ट के लिए, तो हम टेप जरूर करते हैं, तो जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे अल्ट्रासाउंड लगवाएंगे तो टेपिंग भी ज़रूर करिएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि हम किस टाइप की टेपिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें आइसिंग यूज़ करनी है 7 minutes के लिए, अगर आपको क्रोनिक स्टेज में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो 2 घंटे में आप यूज़ करिए, अदरवाइज आप जब सोकर उठें तब आइसिंग यूज़ करके और नीचे पैर रखिए, क्योंकि जैसे मैं बहुत सारी वीडियोज़ में पहले भी बता चुकी हूँ कि आइसिंग स्वेलिंग में हमेशा आइसिंग करते हैं, हीटिंग नहीं करते हैं, और जब बहुत क्रोनिक हो जाती है एक्चुअली बहुत स्वेलिंग दिखने भी लगती है हील में, तो हम कंट्रास्ट बाथ भी यूज़ करते हैं, यानी हॉट एंड कोल्ड दोनों, थोड़ी देर हम हॉट में रखते हैं फिर कोल्ड में रखते हैं, हॉट में कोल्ड में इस तरह से कंट्रास्ट बाथ का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एक बहुत ही कह लीजिए आप होम रेमेडी है, बहुत ही पर एक्सरसाइज कह लीजिए या एक टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है, जो हमारे पास बेलन होता है ना, जो पापड़ बनाते हैं जिसपे लाइनें होती हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये तो अमूमन सबके घरों में ही होता है, तो इससे आपको क्या करना है कि एड़ियों के नीचे रख के और एड़ियों से इसको रोल करना है, जैसे जब आप बैठेंगे ना तो एड़ियों के नीचे यहाँ पर वो आपका बेलन रख लीजिए और फिर ऐसे रोल पूरा यहाँ तक लेके जाना है, फिर इस तरह से रोल करना है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्लांटर फेशिया उसका एक मसाज होगा, उस लाइनिंग वाला ही लेना है, प्लेन बेलन का कोई यूज़ नहीं होता, प्लेन बेलन मत लीजिएगा, लाइनों वाला ही लीजिएगा, तो उससे ना मसाज होता है आपके प्लांटर फेशिया पे, तो वो रिलीज़ होता है, स्वेलिंग रिलीज़ होती है, तो काफ़ी इफेक्टिव होता है वो हील पेन के लिए। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट बात हो गया, आइसिंग हो गई है, टेपिंग, ये सारा आपको यूज़ करना ही करना है, और ये सारे यूज़ करने के बाद आपको एक्सरसाइजेस भी करनी है, तो आपका जो हील पेन है वो ज़रूर ठीक होगा और बहुत ही क्विक रिजल्ट मिलते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, मोस्टली 7-8 दिनों में अगर आपने ये सब कुछ फॉलो किया तो आपका हील पेन ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी आपके लिए टाइप्स ऑफ हील पेन और कुछ प्रिकॉशंस और हम क्या मिस्टेक करते हैं वो भी मैं बताऊँगी आपको, तो अभी के लिए बस ये वीडियो इतना ही, ये